चलिए। एक दिवसीय सायंकालीन सत्र की इस आरोग्य सभा में हम सभी आज योग आयुर्वेद स्वदेशी के महत्व को समझेंगे और अपने पुरखों के इस विराट विरासत को संरक्षित और संबंधित करने के लिए हम सभी अपने जीवन को आहूत करेंगे। और यह कार्यक्रम भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड के कुकुरहा गांव में सायंकालीन सत्र के रूप में आज हम सभी उपस्थित होकर के और अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। तो आइए दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे और दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर, बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस भरेंगे, फिर बाएं नासिका को धीरे धीरे मध्यमा और अनामिका उंगली से बंद करेंगे बीच की दो मध्य उंगलियों से, और फिर दाहिने अंगूठे को हटाकर धीरे धीरे प्राणवायु को छोड़ेंगे, फिर दाहिने नाक से सांस भरेंगे, फिर दाहिने नासिका को दाहिने अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, यह क्रिया 5 मिनट तक लगातार हम करेंगे। सबकी आंखें बंद हो, हमें वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए नमन वंदन करते हुए कि हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने योग के इस महत्व को पूरे विश्व को बताया, सबको शाकाहारी रहने का संदेश दिया, गाय माँ के महत्व को समझा और लोगों को समझाया, हमारे अंदर कृष्ण और राम का खून बह रहा है, बुद्ध और महावीर का खून बह रहा है, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती का पार्वती का संस्कार हमारे अंदर प्रवाहित है। हम अपने पुरखों के इस विराट विरासत को अनुलोम विलोम के माध्यम से, योग प्राणायाम के माध्यम से अपने भीतर के सात्विक शक्तियों को जगाने का प्रयास, धीरे धीरे प्राणवायु को भरते रहिए, बाएं नासिका से जब सांस भरते हैं तो दिमाग का दाहिना हिस्सा संतुलित होता है, जब दाहिने नासिका से सांस भरते हैं तो दिमाग का बायां हिस्सा संतुलित होता है, बाएं नासिका को चंद्र स्वर, दाहिने नासिका को सूर्य स्वर, बाएं नासिका को इड़ा भी कहते हैं, दाहिने को पिंगला, यानी इड़ा और पिंगला के माध्यम से जब बार बार सांस अंदर और बाहर करते हैं तो मेरुदंड में अवस्थित सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु प्रविष्ट होते ही अष्ट चक्रों का जागरण भी प्रारंभ हो जाता है, मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्रों तक का यह लंबी यात्रा केवल और केवल प्राणवायु के अभ्यासों से ही, प्राणायाम के अभ्यासों से ही संभव है। आप मन ही मन ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ऐसा जब अभ्यास हम 15 मिनट करते हैं तो बीमारी के रूप में यदि किसी को अधकपारी है, माइग्रेन है, सर दर्द करता हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, हृदय संबंधी समस्याएं हैं, हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, लकवा की समस्या है, नस नाड़ियों की समस्याएं हैं, सांस की समस्या, हृदय की समस्या, टीबी की समस्या, साइनस की समस्या, सर्दी नजला जुकाम की समस्या, लंबी लंबी सांसों के साथ हम अपने ध्यान को प्राणवायु पर ही केंद्रित किए रहते हैं, बंद आंखों से उगते हुए सूर्य का ध्यान, चंद्रमा पे ध्यान, आंख बंद करके जो कुछ भी आपको आसानी से दिखाई पड़े उस पर भी ध्यान टिका करके इस अभ्यास को कर सकते हैं।
किसी को मिर्गी की बीमारी है, किसी को पागलपन की बीमारी है, किसी को फरका आता है, नस नाड़ियां फड़कती हैं, धीरे धीरे प्राणवायु 5 सेकंड तक लेना, 5 सेकंड तक छोड़ना, और प्राणायाम करते समय, इस अभ्यास को करते समय हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ, कभी भी नकारात्मक विचारों को मन में नहीं आने देना। शिव संकल्प के साथ कहे परमात्मा, जब सांस को हम अंदर लेते हैं तो दुनिया के वो तेज सुख शांति समृद्धि सब मेरे अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, जब सांस को हम बाहर कर रहे हैं तो ऐसा लगे कि मेरे भीतर के सारे विकार, सारी व्याधियां, सारी बीमारियां हमसे दूर हो रहे हैं। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे करेंगे और धीरे धीरे आँख को खोलेंगे।